नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्त भी हुए हैं जिनके कारण भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और निशाचरों का संहार करते हैं। हर युग में निशाचर हैं जो अनुष्ठानों में विघ्न पैदा करते हैं। ऐसे निशाचरों के संहार के लिए आज भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, लेकिन हमें भक्त ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति करना होगी। उक्त विचार साधक संत दादा भाई ने श्रीमद्भगवत कथा एवं तर्पण के दिव्य अनुष्ठान में उपस्थित जनसमूह को आशीर्वचन देते हुए कहा। प्रतिदिन साधक संत दादा भाई माँ नर्मदा के विभिन्न तटों पर पहुंचकर पितरों की आत्मशांति के लिए तर्पण का आयोजन कर रहे हैं। कथा पांडाल में प्रतिदिन निःशुल्क तर्पण का आयोजन विद्वान आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो मदद करो, यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आपके प्रभाव से कोई आपके पास आया है। लोगों की बात कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, अमरूद बाद में नमक लगाकर खाते हैं। तो संसार में किसी का भी भरोसा नहीं है, भरोसा करे तो सिर्फ परमात्मा पर। जैसे भक्त प्रहलाद ने प्रभु पर विश्वास किया तो प्रभु खंभे से प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ही तो भगवान आए। जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। उक्त विचारक साधक संत दादा भाई के सानिध्य में डाक बंगला परिसर में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के तृतीय दिवस पर पंडित राजेश व्यास ने उपस्थित जनसमूह को श्रवण कराते हुए व्यक्त की। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार बना रहेगा आईबीएन 9 पर। आप देखते रहिए आईबीएन 9।